नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई उन 5 बॉलीवुड फिल्मों के बारे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेकर टॉप 5 की पोजीशन बना रखी है। तो लेट स्टार्ट। नंबर 5 पर है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है जिसमें जानवी कपूर गुंजन सक्सेना के किरदार में है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शरण शर्मा ने और प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियोज़ ने। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सपोर्टिंग रोल में हैं। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 12 अगस्त 2020 को रिलीज़ किया गया था। अब तक इस फिल्म के 58 मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं, जो इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाली बॉलीवुड की 5वीं सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित करते हैं। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.7 स्टार मिले हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर है लूट केस। ये एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को वेब सीरीज TVF ट्रिपलिंग के डायरेक्टर राजेश कृष्णन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में कुणाल खेमू और राशिका दुग्गल मुख्य भूमिका में हैं, जबकि विजय राज, रणवीर शौर्य और गजराज राव सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को फॉक्सटार स्टूडियोज़ और सोडा फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। IMDb की तरफ से इस फिल्म को 7.7 स्टार की रेटिंग मिली है। इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 31 जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया था। अब तक तकरीबन 61 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं, जो इसे 4थी सबसे बड़ी मूवी बनाते हैं। नंबर 3 पर है कमांडो मैन विद्युत जामवाल स्टारर खुदा हाफिज़। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको फारूक कबीर ने लिखा है और डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया है। पनोरमा स्टूडियोज़ ने इसे प्रोड्यूस किया है। शिवालिका ओबेरॉय विद्युत जामवाल के ऑपोजिट नज़र आई हैं, तो वहीं अनु कपूर, शिव पंडित और आहाना कुमरा सहायक भूमिका में दिखे हैं। इस फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 अगस्त 2020 को हुआ था। तब से अब तक इस फिल्म को 64 मिलियन से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। IMDb की तरफ से इस फिल्म को 7.3 स्टार मिले हैं। अब चलते हैं अगली फिल्म की तरफ। बात करें अगर नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर है शकुंतला देवी। 81 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ लेकर यह मूवी नंबर 2 की पोजीशन पर है। शकुंतला देवी एक बायोग्राफिकल फिल्म है जिसको अनु मेनन ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में विद्या बालन है, तो वहीं दूसरी ओर जीसू सेन गुप्ता, सान्या मल्होत्रा और अमित साध सपोर्टिंग रोल में हैं। इस फिल्म को सोनी पिक्चर नेटवर्क्स इंडिया और इंजीनियस फिल्म्स प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.2 स्टार की रेटिंग मिली है। इस फिल्म का प्रीमियर 31 जुलाई 2020 को अमेजोन प्राइम वीडियो पर हुआ था। चलिए अब चलते हैं नंबर 1 की पोजीशन वाली मूवी पर। नंबर 1 की पोजीशन पर है सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी दिल बेचारा। ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म है जिसको मुकेश छाबड़ा के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। मुकेश छाबड़ा ने इस फिल्म से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में डेब्यू भी किया है। ये फिल्म जॉन ग्रीन की नॉवल द फॉल्ट इन आवर स्टार पर बेस्ड है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ संजना सांघी नज़र आई हैं, तो वहीं साहिल वेद सपोर्टिंग रोल में। फॉक्सटार स्टूडियोज़ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 24 जुलाई 2020 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को आप बिना सब्सक्रिप्शन के भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ का है। इस फिल्म के अब तक 132 मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं, जो कि इसे ना केवल इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बनाते हैं, बल्कि ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में नंबर 1 पर है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी मज़ेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।